हाय गाइस, आप देख रहे हैं भारद्वाज टेक्निकल। दोस्तों ये देखिए, हम पैकेज पे आए थे। पैकेज में हमारा क्या प्रॉब्लम था, ये हमारा कैपेसिटर है ना, जो ये देखिए एक तो सही है और दूसरा क्या है, फट चुका है। ये देखिए आपको नज़दीक जाना, 7.5 का है, ये 7.5 का है। ये देखिए बुरी तरह से फट गया है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद यूनिट को चालू करके आपको दिखाएंगे कि यूनिट बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। हैं ये देखिए, इसको ऐसे निकालना है ये, और इसको ऐसे करके इसको ये देखिए कैसे फटा हुआ है, इसको इधर रख देंगे। ये देखिए हमारे पास ये नया कैपेसिटर है सेम का, 7.5 का, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए हमने इसको लगा दिया है, जैसे निकाला है वैसे ही लगाना है। ये हमारे दो है, दो फैन है। फैन को दिखा जरा, फैन, ये हमारे दो कंडेंसर फैन है, इसके लिए अलग अलग कैपेसिटर लगा हुआ है। अरे हमारा 10 टन का यूनिट है दोस्तों, अभी मैं चालू करके इसको दिखाऊंगा आपको। बंद कर दो, फिर बाद चालू करके बना देंगे, है ना। ये देखिए दोस्तों, एम्पियर भी बराबर बता रहा, हमारा यूनिट चालू हो गया है। एक कंप्रेसर अभी कॉन्टैक्ट पे पकड़ा हुआ है देखिए, और दूसरा कॉन्टैक्ट थोड़ी देर के बाद पकड़ेगा, अभी पकड़ लेगा वो भी। ये देखिए एम्पियर ले रहा है, 7.56 ऐसे ले रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए दूसरा कंप्रेसर भी पकड़ लिया है, दोनों का एम्पियर सेम है। एम्पियर में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि कैपेसिटी दोनों का सेम है। और ये देखिए दोस्तों, हमने कैपेसिटी लगाया था कैसे, हमने उस पर टेप ओप लगा मार करके हम रेडी कर दिया है। और ठीक है दोस्तों, हम यूनिट को बंद करेंगे, नहीं तो हाई प्रेशर में ट्रिप हो जाएगा। बोला।